नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के अनुसार हुई जन सुनवाई। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह सहित जिले के आला अधिकारी इस जन सुनवाई कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित रहे। हालांकि जन सुनवाई का प्रचार प्रसार नहीं होने से जिले से कम संख्या में लोग जन सुनवाई में पहुंचे। आपको बता दें कि कोरोना काल से ही जन सुनवाई बंद है, किंतु आज कई महीनों के बाद जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हुई है। इससे आम जनता अपनी समस्या लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर धार कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। उस प्रोजेक्ट को टॉप पे आपको चलाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली वीसी की थी उसमें संकेत दिए थे कि शीघ्र ही जो सीएम हेल्पलाइन है उसको पूरी मजबूती से दोबारा लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व में जनसुनवाई चलती थी उसको उसी रूप में वापस प्रारंभ किया जाएगा। उसका कार्रवाई विवरण कल हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको प्रारंभ किया जाए। उसको देखते हुए हम लोगों ने आज ये जनसुनवाई प्रारंभ की है। हालाँकि लगभग हर मंगलवार को मैं अपने चैम्बर में भी जो लोग आते हैं उनको लगातार सुनता था, लेकिन आज पूरे विभागों के साथ हम लोगों ने ये सुनवाई शुरू की है। क्योंकि पहली सुनवाई थी, इसका प्रचार प्रसार आज आपके माध्यम से होगा, तो अगली बार से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। सभी भी विभाग के अधिकारी यहाँ पे बिठाए गए हैं, इनका हम पंजीयन भी कर रहे हैं और सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पे उनके आवेदनों पे हम उनका जवाब भी दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो समाधान के मुद्दे हैं उनके भी सीएम साहब ने गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर पे पूरी सूचियां जो हमारे ज़िले की हैं, लगभग 3000 शिकायतें जो विभिन्न स्तरों पे लंबित हैं, उनकी भी 3 घंटे इसी दौरान विभागों के साथ भी समीक्षा की है। कई हितग्राहियों से मैंने स्वयं भी आज फ़ोन पे बात की है। एक हफ्ते के अंदर हम लोग सब डिवीज़न पे और ब्लॉक स्तर पे शिविर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर उपभोक्ता को ये जो शिकायत करता है उनको स्वयं बुलाएँगे। कई लोगों के जिनके निराकरण हो गए हैं उनको हम वहाँ पर अवगत कराएँगे। किसी का जैसे रिपोर्ट में बताई गई है कि BPL के लिए पात्र है तो उसको कार्ड बनाने के फिर वहीं पे देना होगा, जिससे वास्तव में उसका निराकरण हो सके और लोगों को संतुष्टिपूर्ण निराकरण हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए जो लगातार हम शिविर लगाएंगे और जो कैंप लगाएंगे उसके माध्यम से भी, और पर डे लगभग 10 हितग्राहियों से मैं स्वयं बात करके CEO साहब, ADM साहब सबको अलग अलग विभागों को आज जिम्मेदारी दी है कि आप उनसे बात करें और एक्चुअल उनकी क्या समस्या है। 2-3 जो मुख्य बातें हमें समझ में आई हैं वो जैसे फसल बीमा का लाभ लेने का है। बीमा का 1,03,000 किसानों का 195 करोड़ राशि आई थी, बीच में 20-25,000 किसानों की सूची चेक होने में थोड़ा विलंब हुआ, अब वो सभी राशियां धीरे धीरे उनके खातों में जा रही हैं। तो अगर हम अपने लेवल पे बेहतर क्रियान्वयन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे फिर शिकायतों की संख्या घटती है। उसी प्रकार PM CM किसान में बहुत से लोगों के केस पेंडिंग पड़े थे, नामांतरण बंटवारे के थे। एक महीने जो हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया उसमें लगभग 5-6 हज़ार लोगों के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। PM CM किसान में भी हम लोग प्रदेश में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो अगर विभागों में हमारी अपनी गतिविधियाँ अच्छी चलती रहेंगी तो लोगों की शिकायतों का निश्चित रूप से निराकरण होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन की योजनाओं का हम लाभ दें। जैसे आज पहली सुनवाई थी, 181 जो है वो कितनी उसमें निराकरण करें आज? नहीं, आज तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो इनकी शिकायतें आई हैं उनको संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे थे उनको भी दिया गया है, कुछ हमने अपने लिए चिन्हित करके रखी हैं और उनके निराकरण को उनका पंजीयन नंबर होगा, उनको ऑनलाइन हम दर्ज भी करेंगे और उनके नंबर पे हम अगली रिपोर्ट्स में उनको बताते जाएंगे। तो शिकायत तत्काल जो निराकरण हो सकने लायक होती हैं वो बहुत कम होती है। अगर उनका तत्काल निराकरण होता तो इतनी दूर तक ग्रामीण बंधुओं को नहीं आना पड़ता। विभाग को दे के, जिसमें अगर मान लीजिए किसी का बीमा का पेंडिंग है, किसी का RBC का है, किसी का प्रकरण है नाप का है, किसी को ऋण पुस्तिका मिलनी है, तो उसका हम परीक्षण करेंगे और हर हफ्ते अगले सोमवार को जब मंगल को होगी तो उसमें हम इन लोगों को अवगत भी कराएंगे।